गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 7 चैप्टर 3 होडोरा। आपका पेज नंबर कौन सा है? 21 है जो है बुक का पेज नंबर 21 है। कॉपी खोल लेंगे या जिनके पास बुक होगा बुक खोल लेंगे और बुक में ही भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। निम्नलिखित लाइन को आपको पूरा करना है। ऑन बीइंग आस्क्ड कॉमा स्थान खाली ब्लैंक, इसको आपको भरना है। यहाँ क्या भरेंगे आप? व्हेन्स इज द फ्लावर? इन मे व्हेन सी विंड्स, मई के महीने में जबकि समुद्री हवाएं। यहाँ आपको फिल करना है, भरना है। क्या फिल करेंगे? पियर्स्ड आवर सॉलिट्यूड्स, हमारे एकाकीपन को छेदती हैं। पियर्स्ड आवर सॉलिट्यूड्स। आई फाउंड द फ्रेश ब्लैंक, स्थान खाली है, यहाँ आपको भरना है। होडोरा इन द वुड्स, मैंने ताजे होडोरा को जंगलों में पाया। होडोरा इन द वुड्स, ये रेड वाला आपको भरना है। द सेल्फ सेम पावर ब्लैंक, स्थान खाली है, यहाँ भरेंगे। दैट ब्रॉट मी देयर ब्रॉट यू, ब्रॉट मी देयर कॉमा ब्रॉट यू। आप यहाँ से यहाँ तक अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आगे बढ़ा जाए सेम पेज, उसी पेज पर पेज नंबर 28 ग्रामर पावर। क्वेश्चन क्या है आपका? नाउ राइट द अपोजिट एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग, अपोजिट एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग, इनका जो है आपको एडजेक्टिव बैठाना है। पहला क्या है? ब्रॉड, दूसरा है क्लेवर और तीसरा क्या है? स्टेल। तो इसका आपको अपोजिट लिखना है। एंटोनिम्स आपको इसका लिखना है। ब्रॉड मीन्स क्या होता है? चौड़ा। इसका अपोजिट क्या होगा? नैरो, narrow। नैरो मीन्स क्या होता है? संकीर्ण या शकरा। दूसरा आपका है क्लेवर, क्लेवर का अपोजिट क्या होगा? फुलिश, क्लेवर मीन्स चालाक, फुलिश मीन्स मूर्ख। तीसरा आपका है स्टेल, स्टेल मीन्स क्या होता है? बासी, STALE। स्टेल का अपोजिट क्या होगा? फ्रेश, FRESH। फ्रेश मीन्स क्या होता है आपका? ताजा। यहाँ से यहाँ तक आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपका है 4, लॉन्ग। लॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? सॉल्ट, SHORT। 5 क्या है आपका? क्विक, क्विक का अपोजिट क्या होगा? स्लो। क्विक मीन्स क्या होता है? तेज। स्लो मीन्स क्या होता है? धीमा। 6 क्या है आपका? जो कोर्स है, जो है CORSE। कोर्स मीन्स क्या होता है? खुरदरा। कोर्स का अपोजिट क्या होगा? स्मूथ। स्मूथ मीन्स क्या होता है? चिकना, SMOOTH। 7 आपका क्या है? हार्ड, HARD। हार्ड मीन्स क्या होता है? कठोर। हार्ड का अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट, SOFT। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? कोमल। 8 क्या है आपका? हाई, हाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? LOW, लो। हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन्स नीचे। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर राइट करना है। जिनके पास बुक होगा बुक पर ही भर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? मैच विद अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड से आपको मैच करना है। विलोम शब्द से आपको मैच करना है। पहला क्या है? चीप, सस्ता, ब्राइट, चमकीला या उज्ज्वल, ब्राइट या तेज। तीसरा क्या है? वाइल्ड। चौथा आपका डर्टी। 5 ब्लैक, 6 कूल। 7 क्या है आपका? हॉट। 8 आपका है ब्यूटीफुल। 9 क्या है? ड्राई। इधर अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं,
डल वाइट कॉस्टली टेम क्लीन कोल्ड वार्म वेट अगली। तो चीप का अपोजिट क्या होगा? कॉस्टली। चीप मीन्स सस्ता, कॉस्टली मीन्स महंगा। ब्राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डल। वाइल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? टेम। डर्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लीन। ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाइट। कूल का अपोजिट क्या हो जाएगा? वार्म। हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोल्ड। ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अगली। और ड्राई का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? WET, वेट। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट कर लेंगे। अब लास्ट आगे बढ़ा जाए जो है, अब क्या है जो है, टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट यू फाइंड मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर यू। इस 5 दिए गए हैं, आपका 5 दिए गए हैं, जो आपको ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगे, ज़्यादा उचित लगे, उस पर आपको टिक करना है। पहला क्या है, यू ग्रो फ्लावर्स इन योर हाउस, आप अपने घर पर फूल उगाते हैं, ये हमारे लिए सही है, टिक। दूसरा, यू फील द फ्रेग्रेंस फ्रॉम देम, क्या आप फूलों की खुशबू को महसूस करते हैं, ये भी क्या है, सही है जो है। तीसरा है, यू ऑफर देम टू गॉड एट द रिलीजियस प्लेसेज, धार्मिक स्थलों पर क्या आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं, ये भी क्या है जो है, सही, टिक सही कर लीजिएगा। चौथा क्या है, यू मेक ओनली गार्लैंड फॉर अ सेल, क्या आप फूलों की माला केवल विक्रय के लिए, बेचने के लिए बनाते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है हमारे लिए जो है, इसको आप छोड़ देंगे। पांचवा क्या है, यू यूज देम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग पूजा, आप फूलों का प्रयोग पूजा के समय करते हैं, ये ऑप्शन क्या है जो है, सही है। इसमें से केवल चौथा सही नहीं है और बाकी सब क्या है जो है, करेक्ट है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और टिक लगा लेंगे। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज जो मैं पढ़ाया हूँ उसी को आपको जो है अपने होमवर्क की कॉपी पर बोल बोल कर बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए आपको राइट करना है। राइट करने के बाद आपको जो है अपोजिट वर्ड्स को लर्न करना है, अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।